मैं बहुत ही एक्साइटेड एंड हैप्पी फील कर रहा हूँ दैट आई एम सिलेक्टेड इन टॉप 18 राउंड एंड मेरा एक्सपीरियंस इस शो में बहुत ही अच्छा जा रहा है, होप सो कि आगे भी अच्छा जाएगा। एंड मेरा यूनिक एक्सपीरियंस इस शो में है कि इसमें सोलो, डुओ और स्क्वाड एक दूसरे को टक्कर देते हैं जो कि वाकई में दमदार बात है। थैंक यू। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन।
मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहती तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी होके फना। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की बहुत दूर तक आ चुका हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि
आगे जो सिलेक्शन होने वाला है वो बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा होगा मेरे लिए, और मैंने बहुत ही प्रैक्टिस किया है उसके लिए. सो होप फॉर द बेस्ट. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था इस शो में तो वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया मैंने, तो बहुत अच्छा लगा ये शो करने के लिए और मतलब बहुत खुशी हुई मुझे. You're spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं टॉप 18 में सिलेक्टेड हूँ. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा गया है और इन दिस शो, और मैं नेक्स्ट राउंड की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा कर रही हूँ, हार्डवर्क के ऊपर हार्डवर्क कर रही हूँ, और मेरा इस शो में एक्सपीरियंस और चेंजेस बहुत ही कुछ आ चुके हैं. माँ हमें ना शादी करनी है. क्या बेटी? मुझे तो बता देती. अच्छा अंदर आ जा. नहीं माँ हम विदेश जा रहे हैं. बुढ़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए. जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराई. क्या माँ वहाँ लगा रखी है? हाँ जाना है तो हमेशा के लिए चले जाओ. जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां. एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां. बबली सॉरी योर मदर इज नो मोर.
जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। ओ दीपांजलि 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 बेटा, मैं अभी तक के जो मैंने जो एक्टिंग देखी और थर्ड आपको रियली अ वेरी वेरी पावरफुल डांस, क्योंकि अभी तक का मैंने जो एक्टिंग देखी उसमें सबसे पावरफुल आपका डांस है और आपका जो थीम था माँ के ऊपर, इट्स रियली वेरी हार्ड टचिंग, बहुत ही हार्ड टचिंग आपका थीम था और आपने एक पल के लिए चाहते थे लेके एंड तक आपके एक्सप्रेशन को आपने जाने नहीं दिया, जो फील जो पकड़ होना चाहिए ऑडियंस का आपके एक्ट के ऊपर वो पूरा पकड़ आपको बनाए रखा। बस मेरे को माइनस पॉइंट आपकी ये लगा आज के डांस में, दैट आपकी जो कोरियोग्राफी थी वो बहुत नॉर्मल थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत हार्ड टाइप की कोरियोग्राफी, बट अगर डांस अगर आए बहुत अच्छा था, बहुत टचिंग था, एक पल के लिए भी नजर आपसे हट नहीं रही थी, सो इट्स अ गुड पॉइंट कोरियोग्राफी, बट कोरियोग्राफी मेरे को वीक लगी, इससे भी अच्छा आप कर सकते थे, बट सबसे अच्छा आपके आज के डांस में मुझे लगा तो लास्ट चुनरी वाला जो एबीसीडी वाला जो आपने पोर्शन दिखाया वो चुनरी से जो पूरा गुलाल आप कर रहे वो इज वेरी गुड, बहुत अच्छा टाइमिंग के में आपने वो पूरा एक्ट किया है, तो गुड वेरी गुड, बस कोरियोग्राफी को ध्यान दो, एक्शन बहुत अच्छा था और आज के आपके इस रूटीन के लिए आई विल गिव यू 8 मार्क्स फॉर योर डांस, सॉरी बट आपकी कोरियोग्राफी की वजह से 2 मार्क्स मैंने आपको माइनस किए, तो होप कि नेक्स्ट टाइम आप कोरियोग्राफी आपकी हार्ड वर्क हो जिससे आपका लेवल हमको दिखे कि आप किस लेवल पे जा सकते हो, ठीक है, तो तब तक के लिए वेट कीजिए, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। के स्टेप्स उतने क्लियर नहीं हो रहे थे, जो प्रॉपर दिखने चाहिए उस तरह दिख नहीं रहे थे, नील आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, आपकी पॉपिंग बहुत अच्छा था,
हेलो गाइस, मैं हूं अक्षय एंड आई एम फ्रॉम जयपुर और मुझे टॉप 18 में सेलेक्ट होकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ये राउंड्स थे तो बहुत टफ थे, उसके बावजूद मैं टॉप 18 में आया, तो मैं थैंक्स कहूँगा सारे जजेस को कि उन्होंने मुझे टॉप 18 में सेलेक्ट किया, थैंक यू जजेस। और इस शो में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तक बहुत अमेजिंग रहा है, ये शो भी बहुत अमेजिंग है, मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स आए हैं तो मुझे उनसे फाइट करके उनसे कम्पीट करके बहुत मज़ा आ रहा है और मैं और रिहर्सल करूँगा इसके लिए। और मेरे को यकीन था कि मैं डेफिनेटली श्योर था कि मैं टॉप 18 में सेलेक्ट होऊंगा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत रिहर्सल किया था, बहुत प्रैक्टिस की थी और मैं श्योर हूँ कि मैं आगे भी जाऊँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मेरे में चेंजेस भी बहुत आए हैं क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और मेरे जो मूव्स हैं वो बहुत क्लियर हुए हैं, मेरा जो डांस है वो बहुत परफेक्ट हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे शोज बार बार आते रहे और मैं इनमें जाता रहूँ, मैं सेलेक्ट होता रहूँ और मैं चाहूँगा कि मैं इसका विनर भी बनूँ। एक बार प्यार की मीठी बातें चार ओ सुन ले तू समथिंग टेल मी समथिंग 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 टेल मी समथिंग हो साथ ये तेरा कभी ना छूटे सुन ले दिल भर जानी और जजेस ने जो टिप्स और कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे और
जो टिप्स बताए थे उसको मैंने अपनी कोरियोग्राफी में अप्लाई भी किया है। और इस शो में आने के बाद मेरी कोरियोग्राफी में बहुत से चेंजेस आए हैं। जजेस ने जो टिप बताए थे और उसको भी मैंने कोरियोग्राफी में अप्लाई भी किया है। थैंक यू। तो उड़ गई निंदेरे हो गए हम और तुम तो उड़ गई निंदेरे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन निकल जाए मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत सबर भी अब करने लगा बकावत सुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत लगता है होने वाली है कयामत। हो गए हम और तुम हम्मा 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 तो उड़ गए नंदरे मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टॉप 18 में पहुंचा हूँ और इस शो के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं था कि ऑनलाइन में इतना बिग कंपटीशन होगा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस शो में। या टॉप 18 में सिलेक्ट हुआ तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैंने ऑडिशन पार किए एनिमेशन राउंड पार किया फिर टॉप 18 में आके मैंने जो चीज़ें भेजी है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा इस बार। या दूसरी बात ये है कि इसमें मैं जो सिलेक्ट हुआ टॉप 18 के बाद वो इस शो में मेरी जर्नी की बात करूँ तो यानी बहुत ही हार्ड रहा क्योंकि टैग टाइम फॉर वीडियो थ्री वीडियोस मुझे बना के भेजना था तो मैं नहीं हो पा रहा था तो मुझे बहुत कष्ट हुआ था क्योंकि मुझे नेवन वाइज कोरियोग्राफी करनी पड़ती थी और अदर सॉन्ग्स नेक्स्ट और बहुत ही हार्ड लग रहा था। बस मैंने कभी ट्राई किया कोशिश किया इस बार भी कि मैं नाकाम ना रहूँ तो मैं आके मेरी सॉन्ग बहुत ही चेंज हुई क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने जो वीडियो भेजा था तो अब जो मेरा वीडियो लिखना उसमें मुझे बहुत सारा मेरा नेवन क्रॉस लिखना है जैसे कि ऑडिशन एनिमेशन राउंड है ओके। और अभी मैं जब पेटीएम से नेटवर्क मुझे आइडिया आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें
कॉल्स हुई, मेरा मार्जिन चेंज हुआ एंड कम्युनिकेटिव एंड थॉट कम क्रिएटिव और सर चीजें आई है, सो थैंक यू सो मच. वफादार खबरदार होशियार कली गैंग सबसे हार परिवार मसले में अट के फिर सब जिम्मेदार खासली में फट के फिर सब तड़ी पार गिने चुन के है दोस्त बाकी साफों का कट्टार जब तक फोटो पे ना हार तब तक ग्राइंड करे शाइन करे को है नूर Freak out Hit me के स्टेप्स इतने क्लियर नहीं हो रहे थे जो प्रॉपर दिखने चाहिए उस तरह दिख नहीं रहे थे. नील आपकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, आपके पॉपिंग बहुत अच्छा था.
My name is Nitish Kedi, founder, director and member of dance group Piosa. Yeah. And so top 18 in anime top 18 was select for Chukam. And I'm very excited to all competitive to like compete. Okay. And I'm very excited to be in. आगे क्या होगा जज के कैसे कैसे कमेंट आएंगे एंड जज को क्या चाहिए एंड प्रॉपर्टी में सिलेक्ट होकर मेरे माइंड में थोड़ा सा चेंज आया है थोड़ा सा आया है एंड ये बहुत लंबा सोच चला आई थिंक हाफ मिनट तो वही गया होगा एंड हाफ मिनट आई होप फ्यूचर में हम डांस रेगुलेशन के साथ हम काम करें कोई करे ना करे बट मैं फ्यूचर बहुत देखता हूँ बहुत सोचता हूँ आई होप हम फ्यूचर में काम करें एंड शो के बारे में बोलना चाहूँगा तो लाइक शो इज गुड आई थिंक इज गुड या शो इज गुड एंड लाइक माई फर्स्ट टाइम ऑनलाइन डांस इवेंट आई होप मैं यू नो आप समझ गए होंगे And yeah. Yeah. Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ मुंडा जिद पे अड़ा ओ तेरे पीछे पड़ा जो मिल
लगते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं सितारे नैना, ग्रहण में आज टूटते हैं यूं, हो नैना तो देखते हैं लास्ट में आपका क्या होता है, तब तक के लिए वेट करो एंड बेस्ट ऑफ लक।